There are two kind of leaders. First is substantial leader and second one is circumstantial leader. लेकिन circumstantial और substantial leader को समझाने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा उस leader के बारे में. Leader is all about a person who is handling an institute, या फिर उसे lead कर रहा हो, या फिर एक organization को lead करते हुए आगे ले जा रहा हो, एक team को lead कर रहा हो, या तो वो खुद को lead कर रहा. So we are the leader of ourselves. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझ पाना कि हम अपने आप के एक लीडर हैं. वी आर द मैनेजर, वी आर द लीडर ऑफ आर सेल्फ. बट हमारे साथ में सबसे बड़ा समस्या यही है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ नहीं पाते हैं. हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई बार समझना ही नहीं चाहते. सोचते यार थोड़ा दूर रखो यार, थोड़ा कंफर्ट जोन में यार, थोड़ा मजे वजे कर ले. बिकॉज हमें लगता है कि हमारी जिंदगी इसी तरीके से बनी है, इस एंजॉयमेंट में. और ये सारे सैक्रिफाइस जो हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, जो हमारे माता पिता करते हैं, वो सारे वो करें, हम अपनी तरफ से एंजॉय करें. और कई बार इसे निग्लेक्ट भी कर दिया जाता है ताकि वो फेस हमें नजर ना आए. सब्सटेंशियल लीडर इज ऑल अबाउट अ पर्सन हु परफॉर्म्स इन द वर्स्ट टाइम एंड एट अ गुड टाइम. बुरा परिस्थिति कितना भी चला जाए उसका परफॉर्मेंस कभी गिरता नहीं है, और अच्छा परिस्थिति चला जाए तो बहुत ही बढ़िया अच्छे अपनी तरफ से करता है. उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, उसके परफॉर्मेंस नीचे नहीं गिरता और उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली ऊपर जाते रहता है. लेकिन वहीं पे अगर आप सर्कमस्टांसेस लीडर को समझने का प्रयास करें तो मैं एक एग्जांपल से जरूर समझाना चाहूंगा. कई लोग कई बार अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस आने के बाद में पूरी दुनिया को दिखाते हैं, देख भाई मैंने कैसे किया, देखा कभी तूने ऐसा परफॉर्मेंस, देख ऐसा मैंने कर डाला, ऐसा कर डाला, ऐसा किया था मैंने, देख रहा बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनी तरफ से लगाई थी. और इस चक्कर में वो सर्कमस्टांसेस को भूल जाते हैं कि हो सकता है सिचुएशन उसके परिस्थिति उसके साथ में चल रहा था, इसी वजह से सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट आना चालू हो गया. अब जब बुरी परिस्थिति आ जाती है, जब वो पूरी दुनिया को बता रहा था, अब बुरी परिस्थिति आना चालू हो, दरवाजा बंद करना चालू करता है. और दरवाजा बंद करने के बाद में तो इतनी बुरी परिस्थिति आ जाती है कि अब तो वो घर में एक कोने में पड़ा रहता है बिस्तर डाल करके कि भाई अब दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा. सो दैट्स ऑल अबाउट कि सर्कमस्टांसेस अच्छे रहते हैं, सर्कमस्टांसेस अगर अच्छे रहते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और बुरे रहते हैं तो कई गुना ज्यादा नीचे धरती में चला जाता है वो इंसान, बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट आउट दैट मोस्ट ऑफ, मतलब मैं 90-95% ऑफ लोग बोल करके चलूं तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं. सर्कमस्टांसेस अच्छे रह रहे, यार क्या चल रही है जिंदगी, यार देख फोन लाया मैंने, ये लाया वो लाया, और जब पैसे खत्म हो गए या फिर बुरे परिस्थिति आ गए तब उस समय के दौरान मैं पूरा नीचे चला गया. बट सब्सटैंशियल वाला इंसान हमेशा वो लीडर है, वो खुद का लीडर है, वो मैनेजर है अपने आप का. वो अपने आप को नीचे नहीं गिरने देता है, वो अपने आप को उठाए रखता है उस मंजिल पे ले जाने के लिए जिस मंजिल पे वो जाना चाहता है. वो कंस्टेंटली अपने आप को, चलो परिस्थिति कैसा, अच्छा ओके व्हाट इज गोइंग टू बी दैट सॉल्यूशन, इस समय के दौरान में सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पे काम करता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट आउट दैट यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सब्सटैंशियल. कभी आपने देखा है कि बरगद का पेड़ 200-300 साल से उसी जगह पे खड़ा है बिना हिले, चाहे कितनी भी तेज आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, बरगद का पेड़ उधर ही है. लेकिन वहीं पे अगर आपने नॉर्मल पौधे देखे होंगे या फिर पेड़ देखे होंगे, उनके साथ में क्या होता है, कुछ समय बाद में झड़ जाते हैं, पानी की दिक्कतें आना चालू हो जाते, सूखना चालू कर देता है, या फिर आंधी तूफान आ जाते तो उसमें उखड़ करके कहीं पे पड़ जाते हैं. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आप समझ पा रहे हैं, एक है सर्कमस्टांशियल. अगर अच्छा सिचुएशन है, पानी वानी सब बढ़िया मिल रहा है, एकदम हरियाली आपको नजर आएगा उस पेड़ पे, लेकिन पानी वानी नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, आंधी तूफान आएगा तो टूट करके गिर जाएगा. लेकिन वही के सरकम वही पे अगर आप सब्सटेंशियल लीडर को देख करके चलेंगे, उस समय के दौरान वो बिल्कुल काम रहेगा. वो कैसे काम रह पाता उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज वो अपने जड़ों पर, अपने रूट्स पे काम करना चालू करता है. वो ऊपर की हरियाली पे काम नहीं करता. नॉर्मल पौधों के या फिर पेड़ों के अपने देखे होंगे तो जड़ बहुत ही छोटे रहते हैं, लेकिन वहीं पर उनका पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा रहता है. तो ऑर्डर तो मैच नहीं हो रहा भाई साहब, है ना. तो व्हाट यूज टू हैपन विद सब्सटेंशियल लीडर्स कि वो अपने रूट्स पे बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, वो गहराई तक चला जाता है जहां से उसे मॉइस्चर मिल पाए, वो एक अच्छी पकड़ बना पाए और उस जगह पे सालों सालों टिकने की ताकत रख पाए. सो व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ इज यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट्स. रूट्स पे काम करना चालू करें जनाब, आप बहुत जल्दी अपने जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे. और उसी के साथ में अगर आप इस वीडियो को समझ पाए, इस लेसन को अपनी जिंदगी में जोड़ने की ताकत रख पाते हो तो जरूर इसके साथ में आगे बढ़े. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी उन लोगों के साथ में करते हैं जिन लोगों की जिंदगी में आप कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं. नहीं भी चाहते तो किसी ना किसी को शेयर कर दीजिए. हो सकता है आप उसे मीनिंगफुली शेयर कर रहे हो लेकिन उसके जिंदगी में बदलाव आ जाए और कल आपको थैंक करे, यार तूने मेरे को वीडियो भेजा था उसने मेरी जिंदगी बदल दी. और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ऐसे ही प्रेम अपना देते रहे.
Thank you very much for giving your valuable time, and this is what is PremaDex.